हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईशान। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन केव मिरर बना के दिखाओ। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं इमेज फॉर्म बाय कॉन केव मिरर, और इसमें मैं आपको 6 केसेस बना के दिखाऊंगा कॉन केव मिरर के, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करता है, तो इमेज कहाँ बनती है, रियल बनती है या वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है या आपकी जो है इन्वर्टेड बनती है। तो सारे 6 केसेस मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और आसान तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इमेज कैसे फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एक रफली एक तरीका बता दूं। ये जो हमारा मिरर होता है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिसके बाहर तो आपकी होती है पॉलिश और अंदर की साइड आपका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जैसे कोई भी एक रे ऑफ लाइट आई, वो टकराएगी और हमेशा फोकस से पास आउट होती है। कोई भी लाइट आती है इनफाइनाइट से, तो वो आपका हमेशा फोकस से जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और वो टकरा कर जो है इस साइड आएगी, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर वो सारी रे ऑफ लाइट जो होंगी वो आपका मीट करेंगी, ठीक है ना, फोकस पर ही करते हैं मीट। तो जिसका आउटर सरफेस पर जो पॉलिश हो और अंदर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, तो वो आपका कोन के मिरर होता है। चलिए केसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला केसेस क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखी है वो रखी है हमने किस पर, फोकस पर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पहला केसेस। तो हम ये मिरर लेकर आ गए हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्ट रखी है वो हमने रखी है यहाँ पर आपका जो है किस पर, फोकस पे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमने फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखी, तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी और सीधा किससे पास आउट होगी, फोकस से, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट गई और सीधा किससे पास आउट होगी, हमारी फोकस से। अगर हम फोकस से आगे रखेंगे तब भी फोकस पे जाएगी, ठीक है ना। तो पहली रे ऑफ लाइट तुम्हारी फोकस से जाती है, दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या जाएगी, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। पहले वो जाएगी कहाँ, आगे। तो आगे वो कहीं जाएगी नहीं, टकरा कर पीछे ही आएगी। तो टकरा कर कहाँ आएगी, आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो निकलेगी रे ऑफ लाइट। तो मेरे ख्याल से रे ऑफ लाइट कहीं मीट नहीं करी, तो ये कहीं ना कहीं जाकर इनफाइनाइट पर ये रे ऑफ लाइट मीट करेंगी। तो जो आपका जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो किस पर होगा, एट इनफाइनाइट। तो जो आपका इमेज किस पर होगा, इमेज एट इनफाइनाइट। तो इमेज किस पर होगा, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इसके नेचर की, तो नेचर क्या होगा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर यहाँ पर है मिरर के केस में, अगर मिरर के इस साइड है तो क्या होगा, वर्चुअल। अगर मिरर के इस साइड है, ठीक है ना, सॉरी, मैं अगर मिरर के क्या है, इस साइड है तो क्या होगा, वर्चुअल। और अगर मिरर के इस साइड है तो क्या होगा, रियल, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रख लेना, मिरर के इस साइड क्या होगा, रियल, मिरर के इस साइड क्या होगा, वर्चुअल। तो अगर मैं नेचर की बात करूँ, तो नेचर क्या है इसका, रियल, एंड उल्टी बनेगी, इससे उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ये आपका पहला केस है, अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आपको आगे केस भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा केस क्या। तो जो हमारा सेकंड केस है वो है हमारा बिटवीन सी एंड एफ। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आपको मैंने बताई दी थी किससे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी आपकी, ठीक है ना। और दूसरी मैंने आपको किससे बताई थी, आपकी किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ से आपकी एक रे इधर जाएगी ऊपर, और एक ही कहाँ जाएगी, सीधे। तो ये आपकी यहाँ मीट हो गई, तो आपकी कहाँ बनी इमेज फॉर्म, बियॉन्ड सी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ नेचर की, तो क्या इधर रियल है, इधर क्या इन्वर्टेड। तो मैं अगर नेचर की बात करूँ, तो नेचर क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ कि इमेज फॉर्म्ड कहाँ हुई है, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो ये हमारी बियॉन्ड सी। तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है ना। तो इमेज का फॉर्म्ड हुई है हमारी बियॉन्ड सी। और चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो अब जो हमारा जो थर्ड केस है वो है हमारा बियॉन्ड सी वाला, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इमेज पुट करते हैं बियॉन्ड सी, सी से पहले, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमेज हमने सी से पहले रखी, तो ऐसे जाकर ये किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, पक्का, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा जो केस होता है उसमें किस में जाती है,
हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो तीसरी हमारी किससे गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो हमारी ये इमेज फॉर्म्ड हुई, ये रही हमारी इमेज, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इमेज फॉर्म्ड, तो नेचर की बात करूँ मैं, तो नेचर क्या है, इधर की साइड है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, उल्टी इमेज फॉर्म्ड हुई है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ क्या इसके इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं, जब ये सारे केस खत्म कर लूँगा, ठीक है ना। अब बात कर फोर्थ रे डायग्राम के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ केस है, इस केस में हमारा क्या है कि हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो इमेज हमने हमारी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो मैंने क्या बताया था कि इमेज जो भी टकरा कर किससे जाएगी, फोकस है। तो एक तो हमारा ये केस खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, भैया इमेज यहाँ पर खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती। तो किससे पास हो गया हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास हो नहीं पाएगी इसके लिए, तो हमारी किससे पास होगी, फोकस से। तो इधर गई इस तरीके से और इधर गई इस तरीके से, तो इमेज हमारी किस पर फॉर्म्ड होगी, इस पर। तो अगर मैं बात करूं तो जो नेचर है, तो नेचर क्या है इसका, रियल है एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, तो सी पर ही फॉर्म्ड हुई है, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फॉर्म्ड हुई है, ठीक है ना। अगर हम इसके साइज की बात करें तो सेम साइज, अगर यहाँ साइज की बात करें तो साइज इज स्मॉलर, तो स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, तो स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर साइज की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ साइज की बात करें तो साइज इज सो लार्ज, क्योंकि इनफाइनाइट पर बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो चलिए अब जो है फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा जो फिफ्थ केस है वो ये है कि हमारा इनफाइनाइट पर रखी है, तो इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट कहीं दूर से रखी है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे नहीं, पर उसकी रे लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो सपोज करो ये रे लाइट आ रही है, तो किससे पास होगी, फोकस से। सपोज करो दूसरी भी दूसरी इमेज ऑब्जेक्ट की रे लाइट आ रही है, वो भी फोकस से। तो यहाँ जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो किस पर होगी, फोकस पर। तो अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो नेचर विल बी वही सेम जो हम अब तक लिखते आ रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्या इमेज फॉर्म, तो इमेज एट किस पर इमेज बनने है, फोकस पर। साइज की बात करें तो साइज इज डिमिनिश, डिमिनिश डिमिनिश का मतलब बहुत ही छोटा, साइज इज डिमिनिश साइज, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके लास्ट केस के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके लास्ट केस की, तो ये रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस, इधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ऐसे करा हमने, किससे चलेगी, फोकस पर, दूसरी किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो भैया ये थोड़ा सा इनफाइनाइट पर जा रही है पीछे कहीं, तो कहीं ये थोड़ी ऐसे दूर निकलती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेंगी, तो मुझे अगर मैं इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पर आगे जाकर यहाँ मिल गई। एक ये केस ऐसा है जिसमें जो नेचर है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो नेचर क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ साइज की बात करें तो साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो साइज जो है बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। और अगर हम बात करें कि कहाँ बनी है, ठीक है, तो बियॉन्ड द मिरर, तो मिरर से आगे, तो बियॉन्ड द मिरर इतना लिख देना बस आप, ठीक है। तो ये चारों केसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं चारों। बस इन पर पहली इमेज फोकस है, दूसरी जो रे ऑफ लाइट होगी ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म्ड करेगी फोकस से, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बस यही करना है इसमें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी समय रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही आता है।
और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो ये बात अगर आप ध्यान रख लें तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपके भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हमारे आने वाली है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर लेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।